प्रभावी बदलाव करिए तथा तो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में अपना महत्वपूर्ण तो योगदान दें न्याय के संदर्भ में मैं ये भी उल्लेख करना चाहती हूँ कि इस वर्ष जुलाई में भारतीय न्याय संहिता को लागू करने में हमने औपनिवेशिक युग के एक और अवशेष को हटा दिया है नई संहिता का उद्देश्य केवल दंड देने की बजाय अपराध पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना है मैं इस बदलाव को स्वाधीनता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में देखती हूँ मेरे प्यारे देशवासियों आज के युवा हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी तो के अमृत काल को यानी आज से लगभग एक चौथाई सदी के कालखंड को स्वरूप प्रदान करेंगे उनकी ऊर्जा और उत्साह के बल पर ही हमारा देश नई ऊँचाई तक पहुंचेगा। युवाओं के मनोमस्तिष्क को विकसित करना तथा तो परंपरा एवं समकालीन ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ आयामों को ग्रहण करने वाले नई मानसिकता का निर्माण करना हमारी प्राथमिकता है इस संदर्भ में वर्ष 2020 से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिणाम सामने आ रहे हैं युवा प्रतिभा का समुचित उपयोग करने के लिए सरकार ने कौशल रोजगार तथा तो अन्य अवसरों को सुलभ बनाने के लिए पहल की है रोजगार और कौशल के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं के माध्यम से पांच वर्षों में चार करोड़ दस लाख युवाओं को लाभ मिलेगा सरकार की एक नई पहल से पांच वर्षों में एक करोड़ युवा अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप करेंगे ये सभी कदम विकसित भारत के निर्माण में आधारभूत योगदान देंगे भारत में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ज्ञान की खोज के साथ साथ मानवीयता पूर्ण प्रगति के साधन के रूप में देखते हैं उदाहरण के लिए डिजिटल एप्लीकेशन के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों का उपयोग अन्य देशों में टेम्पलेट के रूप में किया जा रहा है हाल के वर्षों में भारत ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है आप सभी के साथ में भी अगले साल होने वाले गगनयान मिशन के शुभारंभ की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही हूँ इस मिशन के तहत भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान में भारतीय अंतरिक्ष टीम को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा खेल के जगत भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमारे देश ने पिछले दशक में बहुत प्रगति की है सरकार ने खेल के बुनियादी ढांचे के विकास को समुचित प्राथमिकता दी है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक खेल में भारतीय दल ने अपना उत्कृष्ट प्रयास किया मैं खिलाड़ियों की निष्ठा और परिश्रम की सराहना करती हूँ उन्होंने युवाओं में प्रेरणा का संचार किया है क्रिकेट में भारत ने टी ट्वेंटी विश्व कप जीता जिससे बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी आनंदित हुए शतरंज में विलक्षण प्रतिभा वाले युवा खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है इसे शतरंज में भारतीय युग का आरंभ माना जा रहा है बैडमिंटन टेनिस और अन्य खेलों में हमारे युवा खिलाड़ी विश्व मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं उनकी उपलब्धियों ने अगले पीढ़ी को भी प्रेरित किया है मेरे प्यारे देशवासियों पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए तत्पर है इस उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको एक बार फिर बधाई देती हूँ मैं सेनाओं के उन बहादुर जवानों को विशेष बधाई देती हूँ जो अपनी जान का जोखिम उठाते हुए भी हमारे स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं मैं पुलिस और सुरक्षा बलों के कर्मियों को बधाई देती हूँ जो पूरे देश में सतर्कता बनाए रखते हैं मैं न्यायपालिका और सिविल्स सेवाओं के सदस्यों के साथ साथ विदेशों में नियुक्त हमारे दूतावासों के कर्मियों को भी अपनी शुभकामनाएं देती हूँ हमारे प्रवासी समुदाय को भी मेरी शुभकामनाएं आप सब हमारे परिवार का हिस्सा है आपने अपने उपलब्धियों से हमें गौरवान्वित किया है आप सब विदेशों में भारत की संस्कृति और विरासत का गर्व के साथ प्रतिनिधित्व करते हैं एक बार फिर मेरी ओर से सभी को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं धन्यवाद जय हिंद जय